शादाब करेवा जिला शोपियान के अंदर बने हुए दो फिल्टर कारखाने पिछले चार सालों से नाकारा पड़े हुए हैं। मैं हूं मुशीर हक मनहास और यह है मेरा गांव। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की एक रिपोर्ट बराए साल 2013-2014 के मुताबिक कश्मीर सूबा के सात डिवीज़नों में 341 चल रही स्कीमों से 16.9 लाख कुंभों को गैर मयारी पानी मुहैया किया जाता है। आप इतना गंदा पानी क्यों भर रहे हो? शुक्र पड़ा ये पानी भी हमें मिल रहा है। हम तो पानी से, हमें पता नहीं कितने दिन हो गए हम पानी से महरूम हैं। एक कतरा भी देखने को नहीं मिलता है। अब लोग बोल रहे हैं अल्लाह को कि बारिश मत दो, लेकिन मेरे ख्याल से बारिश ही थी तो फिर भी बारिश का पानी भर के गुजारा करते थे। ये पानी भी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। कितने दिनों के बाद ये पानी आया आपके यहाँ? लगभग मुझे लगता है 7 दिन के बाद पानी देखा। हमारे गाँव में दो फिल्टर हैं, उनमें से कोई भी फंक्शनल नहीं है। तकरीबन शादाब करेवा बी के लिए ए के लिए 2009 में एक फिल्टर बनाया गया था जो अब तक चालू नहीं है, और ये वाला देख रहे हैं आप, इसको भी तकरीबन 2012 में बनाया गया, ये भी अब तक चालू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत गंदा पानी पीना पड़ता है। ऊपर खुली टैंकी में पानी है जहाँ पे बंदर आके पानी पीते हैं, कुत्ते भी आके पानी पीते हैं, वही पानी हम पीते हैं। इतना पानी गंदा है कि पिछले एक दो साल पहले यहाँ ऊपर छाछ मार्ग में लोगों को वबा की बीमारी फैल गई। फिर बाद में डॉक्टर की टीम में आई, यहाँ पे उन लोगों को एडमिट किया गया, बेचारों को पता नहीं कितने दिनों तक वो एडमिट रहे गरीब लोग, फिर जाके उनकी फिर वो लोग जो है ठीक हो गए। हमने बिल्कुल बहुत बार गए हम डीसी साहब के पास, सबके पास, लेकिन अभी तक कुछ इसका कुछ हल नहीं निकला है। मयारी पानी पीना हमारा हक है, इसलिए हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे सेहत आमा ज़िला शोपियां से गुजारिश करते हैं कि वो मामले की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए फिलफौर ज़रूरी इकदाम उठाएँ। हम नाजरीन से भी गुजारिश करते हैं कि वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर के फ़ोन नंबर 01933261900 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा सेहत आमा के फ़ोन नंबर 94190343408 पर फ़ोन करके हमें हमारा हक हासिल करने में मदद फराहम करें। ज़िला शोपियान कश्मीर से मैं मोहम्मद मुशीर हक मनहास, इंडिया अनहर्ड के लिए।